हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट पायरेट आइलैंड एडवेंचर। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी को याद होगा, हम लोग गए थे पैरी बीच में एंड वहां पे हम लोगों ने देखा कैरिकेन, जिसको अपने को हराना है। बट उसको हराने के लिए अपने को वहां पे तीन कैनन बनानी पड़ेगी। एक कैनन मैंने बना दिया है क्योंकि मैंने सोचा था क्या पता अपना एक कैनन से काम चल जाएगा। बट बाद में मुझे पता चला वहां पे अपने को एक नहीं, तीनों की तीनों कैनन को बनाना पड़ेगा। सब चीज़ तो बढ़िया है, बट अपने पास जो है इनरिच मेटल प्लेट्स है ना, वो नहीं है। अपने को वो चाहिए एंड इसीलिए जो है ना आज मैं आया हूँ वाटरफॉल केव में, जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड से बॉम्ब से उड़ाया था। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है अपने को वो मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी आप लोगों ने पिछले बार तो देखा नहीं है कि हम लोगों ने इस केव को किस तरीके से कंप्लीट किया, और आज जो है ना गाइस मैं कुछ 2x स्पीड से ये फटाफट से ये केव कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग एक नई जगह जाने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में कमेंट करके एक भाई ने मेरे को बताया था कि भाई वहाँ पे एरिना में जाओ, वहाँ पे आपको आयरन की स्वॉर्ड मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई आयरन की स्वॉर्ड तो अपने को चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी की सारी कैनन्स बनाएंगे और चलेंगे सीधा कैरिकेन को हराने के लिए। बट यहाँ पे यार हम लोग फाइनली मेन एरिया में तो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे से मेरे को पार्कोर करके जाना पड़ेगा। तो अपन लोग यहाँ से करते हैं जंप। नीचे बड़ा वाला मॉन्स्टर है, सो उसको तो हम लोग नहीं छेड़ेंगे। आराम से यहाँ पे से जंप लगाते हैं और चलते अंदर यहाँ पे से आके इधर। तो भाई सब चीज़ तो बढ़िया है, बट इसको यहाँ पे मारने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो फटाफट से इसको मारता हूँ। भाई ये काफ़ी गंदा अटैक करता है। तो कम से कम आपके पास 3 स्वॉर्ड होनी चाहिए एंड 5 से 6 बैंडेजेस, इतने में काम बन जाएगा। चलो यहाँ पे मैं ये डब्बा उठाता हूँ, ब्लू कलर का है। सो इससे तो अपने को कुछ खास लूट नहीं मिलता। जो रेड कलर के बॉक्स होते हैं ना, उससे अपने को काफ़ी बढ़िया लूट मिलता है। इधर नहीं, यहाँ पे अपने को जाना है यार। यहाँ पे स्केलेटन्स आया, सबसे पहले तो इस स्केलेटन्स को मारूं। ओके, यहाँ पे एक पिन है, इसको हम लोग रोटेट करते हैं। अंदर जाने का गेट खुल जाएगा वहाँ पे। गेट तो खुल गया, तो अंदर चलो। एंड यहाँ पे यार स्केलेटन्स आएंगे 2। एक मार दिया भाई, इसको मारना पड़ेगा। मेरी हेल्थ लगभग ख़त्म होने वाली है, मैं फटाफट से बैंडेजेस लगाता हूँ। एक स्वॉर्ड टूटा, दूसरा स्वॉर्ड निकाला एंड फाइनली इसको भी बजा दिया। भाई आगे जाऊँगा, आगे भी होगा, ये तो मैं है। चल भाई निकल, मारता इसको। भाई दूसरी स्वॉर्ड भी टूट गया मेरा, बस एक स्वॉर्ड बचा हुआ है। आई थिंक इसमें तो काम बन ही जाएगा। तो मेरे पास रिसोर्सेस पड़ा हुआ था, मैंने फटाफट से उसको रिपेयर किया एंड अब पहुँच चुका है यहाँ पे का मेन एरिया। भाई ये एरिया हम लोगों ने क्लियर कर दिया, तो डेफिनेटली अपने को काफ़ी गजब का लूट मिलेगा। बट वहाँ जाने से पहले यहाँ पे अपने को ना एक रेड कलर का बॉक्स मिलता है, जो कि यहाँ पे, इसके अंदर अपने को इनरिच मेटल और मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी। ओके गाइस, यहाँ पे मेरे को मिला 2 प्लेट्स मिली एंड 2 और मिला, जिसको हम लोग मेल्ट करके प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अभी यार यहाँ पे काफ़ी गजब सीन होगा, जैसे हम लोग इसको घुमाएंगे ना और यहाँ पे स्केलेटन्स आएंगे। देखो स्केलेटन स्पॉन हुआ भाई, इनको मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी अभी यहाँ पे 2 हैं। बट जब हम लोग लास्ट वाली करेंगे ना, उस टाइम पे कम से कम यहाँ पे 4 निकलेंगे, उनको मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो मैं इसको रोटेट करता। ओके आए, ओके आ गया ये। चल भाई निकल, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं थे। चलो अब लास्ट वाला है, इसको रोटेट करता हूँ एंड यहाँ पे अपना ट्रीजर क्रेट आएगा, उसको उठा के भागूंगा। एक मारा, दूसरा भी, लास्ट बचा हुआ है, इसको मारता। भाई इसको मारने से तो बढ़िया है मैं यहाँ पे सब फटाफट से लूट उठाता हूँ एंड यहाँ पे सा निकलने का ट्राई करूँगा। मेरे पास बैंडेजेस भी नहीं है, बैंडेजेस ख़त्म हो गए मेरे। आराम से निकाल भाई, हो जा जल्दी से। चलो भाई मेरे को सामान वगैरह तो मिल गया एंड फटाफट से निकलो यहाँ पे से बाहर। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैं फाइनली वो केव से तो बाहर निकला, बट अभी अपने को थोड़ा सा ना कैनन बनाने का रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करना है। सो मुझे जाना पड़ेगा एनरिच मेटल और सर्च करने। तो मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ, काफ़ी गजब की लोकेशन है, बट वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मुझे ही पता यार मैंने कितने ज़्यादा एड्स देखे हैं, क्योंकि वहाँ पे बियर्स हैं। एंड अभी मैंने आर्मर वगैरह अनलॉक नहीं किया है, क्योंकि मेरा प्लान था मैं ये गेम कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हम लोग दूसरा नए गेम की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो इसको तो मैं पूरे कंप्लीट करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे इनरिच मेटल रिसोर्सेज ढूंढने आया था, तो मुझे यहाँ पे एक वुल्फ दिखा है, तो मैंने फटाफट से ये सारे वुल्फ मारे और अपने को यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स वगैरह मिल चुके हैं। एंड अभी यार मैं काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह तो लेके आ गया हूँ एंड अपने पास मीट 20 इनरिच मेटल प्लेट्स हो गए। 2 मैंने फ्यूज़ बनाए, 3 अपने पास मेटल बैरल है
और 9 के करीब अपने पास जो है ना वो गन पाउडर है, बट अपने पास अभी क्या बचा हुआ है? लगभग अपने पास सारा का सारा सामान तो हो गया, बस अब जाना है अपने को कैनन बनानी है एंड कैरिकन को हराना है। बट मुझे पता है यार, कैरिकन को हराने के लिए अपने को कोई ना कोई वेपन तो चाहिए जिसका कम से कम काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो। तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे हम लोग अपने के लिए ना स्वॉर्ड या फिर आयरन की स्पेयर में से दोनों में से किसी में एक में को अनलॉक करने वाले हैं, वो देखते हैं। ओके यार, मुझे लगा स्वॉर्ड अनलॉक करना काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अभी स्वॉर्ड बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर रोप वगैरह चाहिए, एंड मेरा वेविंग मशीन में रोप वगैरह पड़ा हुआ था। फटाफट से मैंने यहाँ पे अपने के लिए एक स्वॉर्ड बनाया, एंड अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे अरीना में, और वो कैरिकन को तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मारेंगे। मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका हेल्थ अराउंड 1000 के करीब है, तो मारने में यार थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे मैं स्टोन वगैरह फार्म करता हूँ क्योंकि हम लोग एरिना में जा रहे हैं एंड वहाँ डेफिनेटली काफ़ी गंदा फाइट होने वाला है। चलो, अपना स्वॉर्ड बन के रेडी हो गया। अरे यार, बैंडेजेस बने, स्वॉर्ड बनने में टाइम लगेगा, तब तक देखते हैं यार। अपने बैंडेजेस अपने हॉट बार में रखता हूँ, और कुछ और वेपन बना सकता हूँ मैं? नहीं, और वेपन तो यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा, बट बैंडेजेस हम लोग एक्स्ट्रा बना लेते अपने के लिए क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जॉम्बीज आएंगे ज़रूर। कहीं ऐसा तो नहीं है अपने को बीच में से फाइट से भागना पड़ेगा? वो तो यार अंदर जाके पता चलेगा। चलो, तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हुआ यार। मैं इस यहाँ पर ना पिक्स वगैरह से पंगे नहीं लूँगा, यहाँ पे आ गया मैं, बस इसके अंदर जाना है अपने को। भाई अपनी जर्नी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रही है। हम लोगों ने लगभग एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे इतनी प्रोग्रेस कर दी है कि हम लोग कैरिकन को हराने के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो मैंने कहा चलो अभी हम लोग एरिना चलते हैं, यहाँ देखेंगे। भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लीवर है, इसको रोटेट करूँ? भाई मुझे डर लग रहा है, डार्केस्ट डंजन देखना पड़ेगा। भाई डंजन है, आर्क मोबाइल का डंजन हम लोगों ने किया है, भाई वहाँ पे तो हालत ख़राब हो जाता है। अभी लास्ट पायरेट का भी हम लोग डंजन करते हैं। मेरा तो मन कर रहा है भाई यहाँ पे सब बाहर निकलूँ। यहाँ पे देखो केज के अंदर तो यार स्केलेटन्स को पकड़ के रखा हुआ है, कहीं यही स्केलेटन्स आके अपने को मारेगा तो नहीं? भाई इधर भी स्केलेटन्स ही हैं, हर जगह हर केव के अंदर जो है ना स्केलेटन्स है। ओके, तो क्या करें गाइस, फाइट लें या फिर भाग जाएं यहाँ पे से? भागना तो हमने सीखा नहीं है, हम लोग जो है ना फाइट ही लेंगे। चलो मैं लीवर को ऑन करता हूँ एंड देखते हैं यार कितने सारे जॉम्बीज आते हैं। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट वेव, ओके आ गई भैया वेव आ गई। चलो इनको मारना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, एंड मेरे पास स्टोन की स्वॉर्ड है तो मैं इनको इजीली मार दूंगा। चलो भाई निकल, तू भी निकल, छोड़ेगा नहीं मैं सबको। ओके, पहली वेव तो हम लोगों ने कम्प्लीट की, अभी दूसरी वेव आएगी। चलो इसको भी कम्प्लीट करते हैं। इधर हैं ये रहे भैया, इस बार तो तलवार वाले आए हैं, इनको मारने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया यार, तलवार वाले ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। चलो बेटा निकलो आराम से पहली फुर्सत से। और किधर है? और ये आ रहा है ना, तलवार तो नहीं है इसके पास? हाँ तलवार नहीं था, आएगा वो रहा। चलो इसको मारता हूँ। तो लगभग मुझे लगता है हम लोगों ने पहला फ्लोर तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। फटाफट से जाते हैं और ट्रीजर उठाते हैं। ओके हो गया, क्या मिल? अरे यार ये खाना दिया, क्रैब का मीट एंड वाइल्ड फिश। मैं तो सोच रहा था अपने को मेटल के टूल्स मिल जाएंगे या फिर स्टोन की स्वॉर्ड मिल जाएगी तो अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर से सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर देखते हैं यार कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बैंडेजेस हैं अपने पास एंड अपनी आयरन की स्वॉर्ड भी लगभग बनने वाली है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसी से मारेगा मैं। चलो इसको एक्टिवेट करते। अरे भाई आ गए। चल भाई एक तलवार में निकल, पहली वेव है 20 जॉम्बीज आएंगे, इनको मारना पड़ेगा यार। इसमें कितनी सारी तलवार मारनी पड़ रही है भाई। चल भाई आराम, पहली फुर्सत में निकलो। अभी दूसरी वेव है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ये तो मैं आज कंप्लीट करके ही जाऊँगा। अरे तलवार वाला ही काट देगा मेरे को। चल भाई निकल। ओ यहां पे से भी आ रहे हैं ना। चलो भाई यहां पे हम लोगों ने तीसरी वेव भी कंप्लीट की। आई थिंक अभी एक और वेव है। अरे भाई इतनी सारी वेव कहां से आ रही है? तीसरे फ्लोर में क्या होगा फिर अपना हाल? तो सेकंड फ्लोर में ये हाल हो गया।
तो तीसरा फ्लोर एंड चौथा फ्लोर पांचवा फ्लोर हो गया, तो भाई वहां पे तो मुझे नहीं लगता मैं सरवाइव कर पाऊंगा। बट कोई नहीं, मारते ना इनको। भाई मेरी तलवार लगभग टूटने वाली है, मेटल वाली। मैंने सोचा नहीं था यार इतना सारे जॉम्बीज आएंगे, नहीं तो मैं तीन चार तलवार बना के लेके आता। भाई क्या हो गया, मरने वाला मैं। चलो दोनों तो गए, भाई तू भी इधर भाग रहा है, तू भी निकल। चलो गाइज आई थिंक अपना ये वाला फ्लोर भी कंप्लीट हुआ। बस इसमें स्वॉर्ड, यार एक स्वॉर्ड तो दे दो यार, मेरे वेपन्स टूट जाएंगे तो मैं फाइट कहाँ से लूँगा। मुझे नहीं लगता यार मैं फाइट वहाँ पे ले पाऊँगा। चलो अभी हम लोग चलते हैं थर्ड फ्लोर में, देखते हैं भाई क्या सीन होता है अपने साथ। मुझे लगता है डेफिनेटली काफ़ी गलत सीन होने वाला है। ओके तो ओके गाइज यहाँ पर हम लोग आए थर्ड फ्लोर में, एंड मेरा आयरन का स्वॉर्ड तो लगभग टूटने वाला है, एक स्टोन का स्वॉर्ड है वो भी लगभग टूटने वाला है। एंड उसके बाद जो है ना अपना बचा है एक स्टोन को स्वॉर्ड पूरा का पूरा। अरे भाई टूट गया, मेरे पास इसको रिपेयर करने के लिए गोल्ड कॉइन्स भी नहीं है। अरे भाई मर गया मैं, नहीं तो लगता ऐड देके दोबारा से वापस आना पड़ेगा मेरे को। अगर मेरे से नहीं होगा ना तो मैं छोड़ दूंगा। ओके गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा मर गया था, फिर मैंने ऐड वगैरह देखा, दोबारा से रिस्पॉन हुआ हूँ। जब तक मेरे पास वेपन है तब तक हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। बस ये एक लास्ट वेव बची हुई है, इसको भी कंप्लीट करता हूँ। भाई ये तलवार वाले हैं, मेरे वेपन वगैरह सारे टूट चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ पर से मेरे को भागना ही पड़ेगा, नहीं हो पाएगा यार। चलो एक लास्ट वेव है बची हुई, इसको भाई तीर वाले सीन आ गए, अब तीर वाले आ गए तो गलत सीन हो गया मेरा। ले भाई दोबारा मर गया। तो भाई यहाँ पे एक मेरे को दरवाजा खुला हुआ दिखा, मैंने कहा क्या पता यहाँ पे से हम लोग भाग पाएंगे। ओके यहाँ पे मेरे, चलो जैसे तैसे करके हम लोगों ने पूरी की पूरी वेब कंप्लीट करी। मुझे यहाँ पे एक स्टोन की स्वॉर्ड मिली है, नहीं एक स्पेयर। मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ यार हम लोग इसको बाहर ही निकल जाते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा कंप्लीट इस हालत में। यहाँ पे जाने के लिए ना अपने को कम से कम 5 से 6 स्वॉर्ड लानी पड़ेगी, अगर स्टोन की या फिर आयरन की, तो 3 से 4 तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए। ओके ये अभी फोर्थ फ्लोर है, यहाँ पे तो भाई गलत सीन होने वाला है। मेरे पास वेपन्स भी नहीं है, एक स्टोन का स्पीयर है एंड स्टोन की स्वॉर्ड है, रिपेयर भी नहीं हो सकती। तो भाई मैंने कहा निकल जा भाई यहाँ पे से, बाहर नहीं हो पाएगा तेरे से। तो ओके गाइज यहाँ पे हम लोग फाइनली वो एरिना से बाहर निकले। एरिना अभी अपनी औकात से बाहर है, जब अपनी औकात हो जाएगी तो डेफिनेटली ये एरिना हम लोग करने आएंगे। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैनन्स बनाएंगे एंड मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।